girls with their nails done. मीटअप के ऊपर 2024 का जो उन्होंने टाइगर अभी G900 लिया उसको लेके, तो मैं जाने वाला हूँ वहाँ पे मिलने के लिए। जो भी शूट होगा वीडियो मैं आप लोग को दिखाऊंगा, और ये दिस मेरा प्रॉपर पहला व्लॉग होने वाला है, तो सपोर्ट करना गाइस। बातचीत करेंगे कुछ तो गेम वेम खेलना पड़ेगा, कुछ तो करें ऐसा कुछ सोच रहे थे। तो टाइगर भी बोल रहा था कि कुछ करते हैं, कुछ आइडिया आए नहीं, तुम बताओ कुछ कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं बताओ। मैं प्लान तो वही किया था, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम हो रहा था, इधर थोड़ा हीरो बनना है ना। कार पार्ट्स फ्रॉम आवर एंटायर ट्राइम टीम, दीस गाइस वांटेड टू गिव यू समथिंग। तो रसगुल्ला लेके आया ना। समीर क्या बोल रहा था? समीर बोल रहा था कि आशीष रसगुल्ला लेके आएगा। रिचुअल है। हाँ भाई, गिफ्ट आया मेरा। जी जी जी। थैंक यू भाई। तुम्हारा नाम क्या है? नाम नेड़ा है। नाम नेड़ा? रणी। नाम नेड़ा बता दो। भाई कोई मेरे से गुस्सा तो नहीं है ना, लेट आया मैं? अगर कोई गुस्सा है तो सामने आ जाओ। मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें तुम लाए होंगे और कोई नहीं का पहले बता दिया अंदर कहां है। ठीक है, पहले दिख गए। और भाई का मैनिफेस्टेशन भी अच्छे आ जाएगा जी भाई। यार इस वजनबाजी की जीवन ले रही सही है। मेरे मिनिएचर में कार नहीं थी, बाइक थी, तो अभी ये भी नहीं। लेकिन मैं नॉर्थ ईस्ट साइड पे गया था ना, तो हमें जेपी सर मिले थे, अभी तो नहीं है दुनिया में वो, लेकिन ही इज अ ग्रेट ड्राइवर। तो वो मेरे ख्याल से 60 या 70 की एज में थे, और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट किया, और वैसे एक्सट्रीम राइड उन्होंने किया है ना, हैट्स ऑफ। हम लोग के ट्रेलर में देखना कि एक बूढ़े से इंसान जिनके दाढ़ी में से बर्फ बर्फ लगा है, मैं खेल रहा हूँ दाढ़ी, वो जी भी सर जिंदा दिल नहीं कर रहा इधर बहुत लोगों ने शादी के लिए पूछा है, मैं इग्नोर इसलिए करता हूँ क्योंकि ना अभी मेरे अंदर ना वो फील नहीं आ रहा, वो फील नहीं आ रहा है कि मैं बच्चे संभाल पाऊंगा। वो बच्चे से लगाव है क्योंकि शादी के बाद बच्चे नहीं है ना, मतलब एक जिम्मेदारी वाला वो फील नहीं आ रहा है कि वैसे कुछ मैं कर सकता हूँ। अभी तो मैं थोड़ा फ्री बर्ड रहना चाहता हूँ, कि क्योंकि अभी ये जो राइड होगा मेरा नॉर्थ ईस्ट वाला जो मैं राइड करने वाला हूँ ना, वो मेरा समझ लो वो राइड के बाद ऐसा कोई स्टेट या ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी हिंदुस्तान में जहाँ पर मैं नहीं गया। तो इस वाले राइड पे छत्तीसगढ़ मैं नहीं गया हूँ, तो छत्तीसगढ़ कवर होगा, झारखंड उड़ीसा गया हूँ, इंडियन हेरिटेज शाला में गया था
कोणार्क गए थे, वो सन टेम्पल भी गया हुआ, पर तो उड़ीसा हो गया मेरा, सिर्फ छत्तीसगढ़ और झारखंड बचा था, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा ये तीन स्टेट बचे हैं और एक सिक्किम बचा। बिहार भी नहीं है? हाँ बिहार भी नहीं है। बिहार आके गया हूँ, मतलब बिहार आके गया हूँ मैं, यूपी आके गया हूँ, वो सब हो गया मेरा, बाकी सब हो गया, बस ये अगर हो गया ना उसके बाद में पूरा इंडिया कंप्लीट, फिर उसके बाद में इंटरनेशनल राइड देखेंगे तुम, और इंटरनेशनल राइड की भी प्लानिंग हो चुकी है, तो मतलब इस बार अच्छा खासा, मतलब इस बार मुझे समझ में आ गया है कि किस तरह का कॉन्टेंट बनाना है। और क्या प्लान है, इंटरनेशनल वाइफ? फाइनलाइज किया था अराउंड उसका 2.6 करोड़ तक का हो गया था सीन, ठीक है, लगभग 725 या 730 का एरिया था, सब हो गया था, लेकिन बिल्डिंग थी 50 साल पुरानी, तो माइन में, तो फिर वो रुक गया वहाँ पर। हाँ लेकिन उतना भी ओल्ड नहीं चाहिए ना, उतना भी नहीं चाहिए, मतलब 20-25 साल ओल्ड अगर मिल गया घर तो भी ठीक है, ज्यादा ओल्ड लेके भी फिर वो मतलब रीडेवलपमेंट वाली चीज और यहाँ वहाँ का वो नहीं चाहिए, और क्या है कि बजट थोड़ा बड़ा है और जिद यही है कि माहिम में रहना है, तो थोड़ा वो है कि जैसे अभी बाहर के जो दिल्ली वाली के क्रिएटर्स हैं या बाहर के जो भी क्रिएटर्स हैं वो लोग ऐसे जाते हैं और घर ले लेते हैं और लोगों को लगता है वाह घर ले लिया भाई, लेकिन वहाँ का घर और हमारे यहाँ के घर में बहुत फर्क है, यहाँ ईंट ऐसा है कि ईंट की कीमत सोने का जोड़े को तो एक एक ईंट तुम्हें लगेगा इतना महंगा ईंट है यहाँ का, ईंट में तुम होल करने से पहले भी सोचोगे कि मेहनत किया। आपने एक व्लॉग में भी बोला था कि इधर का रजिस्ट्रेशन 01 वो भी महंगा। हाँ हाँ मैं 01 भाई, उसमें प्राउड है बॉम्बे 17। महाराष्ट्र का कोस्टल बीच भाई ऐसे खतरनाक, इतना खूबसूरत माशाल्लाह, या क्या बीच है यार, लेकिन अगर वहाँ पर इंटरनेशनल फील है वहाँ पर वैसे दिखाएंगे हिंदुस्तान में, सब बड़ा खूबसूरत दिखाएंगे। ग्रुप राइड से सवाल पूछ रहे हो, ये तो मैंने किसी पे पूछा ही नहीं। अच्छा ग्रुप राइड के लिए मैंने पता आप लोगों से फॉर्म फिलअप करवाया, उसमें 1000 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। मैं और मेरी टीम मिलके अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैसे राइड कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें कुछ कुछ चीजें जो मैं वीडियो में बताऊंगा, बट कुछ चीजें अभी बताता हूँ मैं। राइड करने से पहले जो भी बंदा साथ में राइड कर उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, मिनिमम उसका जो सम अश्योर्ड अमाउंट है वो 5 लाख तक होना चाहिए, ठीक है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं गियर्स और ये सब चीज। किसकी नहीं अभी, अभी नहीं अभी तो प्लान चल रहा है, वो तो जनवरी में होगा। रील के कुछ इंटर इंटर बनाए तो वो वाला बोले क्या 2 रुपए 2 रुपए की पैक। मस्त मजा आएगा, तुम लोग रुक के जाना थोड़ा सा, ठीक है भाई लोग रुक के जाना। ऑल राइट देन, ऑल यू गाइस एक्साइटेड? यस बिस्मिल्लाह। थोड़ा 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 पीछे पीछे
थोड़ा सा उसको देख ही लोग हैं, जो लोग ब्लॉग देखेंगे उनको तो अच्छा दिखेगा ना। चले फिर बॉम्ब रेडी है। यस सर, गो गो फॉर इट। नमस्ते। ऐसे पांचवा निकल जाएगा काउंट डाउन। हां पीछे से भी खींच, पीछे से खींच के बोलूंगा। हां ठीक है। अंदर कहां तो पाया है एमएसके। हां मैं पानी डालने वाला हूं। अबे डालो पानी, तुम लोग सब नीचे आएगा। उसको छेद कर कैसे बॉम्ब घुमा दो। अरे बाल्टी रखा हो। काउंट ऑफ 5 सेकंड। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। एक बार देख लो मैं फंसा फुसा तो नहीं। क्लियर है? मैं इधर से नहीं दिखाऊंगा। अब हो रहा है ना? सही है। भाई लोग अपने बाबा आ जाओ, थोड़ा सा हाथ लगा दो, थोड़ा सा आ जाओ बाबा सब लोग। ठीक है तुम लोग उत्तर से खींचना। ओके ओके चलो तुम लोग काउंट 10 तक, काउंट 10 से शुरू करो। ओके 9 से। ओके 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पैसे से ज्यादा टाइम इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने पैसे तो नहीं दिए लेकिन टाइम दिया है तो वो बहुत मेरे लिए एक कीमती चीज़ है। थैंक यू सारे लोग, दिल से मैं बोल रहा हूँ। मतलब वेरी डिफिकल्ट, जानता हूँ मैं कि समय निकालना आज के टाइम में बहुत मुश्किल होता है। आप लोग टाइम निकाले, रवि भाई आई लव यू। जितने भी लोग आए हैं थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों मेरे इस खुशियों में शामिल होने के लिए। बस अभी ब्लॉग देखोगे ना? यस। ब्लॉग में नंबर का मीनिंग मैं बताऊं। ब्लॉग में बैग 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 ओके वो सर। ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा स्प्रेड हो जाओ। वर्टिकल वर्टिकल आता है, वर्टिकल सामने वाले। सुनो मैं ना चाहता हूँ फोटो हम लोग ले तो ना आप लोग को एक सिस्टमैटिकली यहाँ पर एक लाइन बना दो ताकि बाइक के साथ आराम से लोग फोटो खींच सकें। ठीक है आपको अच्छा फोटो मिल जाएगा, मेरी मेरे साथ बाइक के साथ मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको अच्छा फोटो मिला है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज मतलब कि थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है तो यहाँ से एक लाइन लगा दो, फिर ये लाइन ऐसे ऐसे उस तरफ चलो चलो ये वाला एरिया पूरा खाली गाइस। एक जो वन लाइन बना दो ना प्लीज, जो लाइन पे खड़े सबके साथ फोटो आएगा और रील उसका भी बात आएगा। मैं सिर्फ ये